स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि बिहार सरकार के द्वारा जो है सेवेंथ फेज नियमावली के ऊपर जो है मुहर लगा दिया गया है, यानी कि जो सेवेंथ फेज की वैकेंसी थी उसको जो है उसको मतलब मंजूरी मिल गई है सभी विभागों से, और बहुत जल्द जो है नियमावली भी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। यानी मंजूरी मिल गई है, अब जो है उसके अंदर जो है क्या क्या चीजें होगी, कितनी आपकी जो है वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी से है, कितने न्यूनतम उम्र होगी, तो उम्र भी जो है निर्धारित किया गया है कि 21 वर्ष जो है कम से कम उम्र होनी चाहिए शिक्षक बनने के लिए। और जो है शिक्षक बनने वाले को जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है उन्हें आपको मैं बता दूं कि सरकारी कर्मचारी के रूप में जो है जाना जाएगा, समझ गए। और नियुक्ति की जो उम्र रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है। अब यहां पर जो सवाल आ रहा है कि जो बच्चे 2022 से 24 है या जो 21 से 23 वाले हैं, जो सेकेंड ईयर में है और जो फर्स्ट ईयर में है, जिनका अभी एग्जाम जो है नहीं हुआ है लेकिन वो सीटेट क्वालिफाई है, तो क्या इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सवाल जो है काफी बड़ा जो है अब होने वाला है। क्योंकि इसके पहले वाले जो बच्चे हैं 2020 से 22, उनको तो चांस लग रहा है कि उनको मिलेगा, लेकिन आगे जो बच्चे हैं जो 21 से 23 जो अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम अभी देने वाले हैं, उनका फॉर्म जो है फिल हो रहा है, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनका भी फॉर्म फिल हो रहा है, और वो बच्चे जो है सीटेट दिए थे, सीटेट क्वालिफाई है, तो क्या उनको भी जो है मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो इसके ऊपर जो है अभी हम जो है कुछ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो है जैसे नियमावली आ जाएगी उसमें आपके सारे बिंदु जो है उसमें लिखे होते हैं स्पष्ट तौर पर कि किनको मौका मिलेगा, किनको क्या मिलेगा, वह सारी बातें जो है लिखा रहता है। तो प्लीज आप सभी लोग जो है धैर्य बनाकर रहें, जो भी जानकारी होती है वैसे मैं आपको बताता हूं। पटना से जो है हमारी टीम मेंबर जुड़ी हुई है, अमन कुमार उनका नाम है, जो कि पल पल की खबर जो है हमें दे रहे हैं, तो प्लीज आप सभी लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बाकी मेरे अनुसार से जो है मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है, तो प्लीज आप सभी लोग धैर्य नहीं खोए, अपनी पढ़ाई जारी रखें। और जैसे ये नियमावली का जो पेपर आता है, जो बनने के बाद स्टेप बाय स्टेप ही क्या इसके अंतर्गत होने वाला है, किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितनी उम्र होगी, कितने वैकेंसीज है, वो सारी बातें जो है उसमें लिखी रहती है, वो पेपर जैसे आ जाएगी, अभी तो जारी नहीं हुआ है, अभी बस केवल मुहर लगा है कि हाँ भाई मैं सारी विभागों से मंजूरी मिल गया। अब जो है नियमावली आएगी ना, उसमें लिखा होता है कि किनको मौका देना है, किनको नहीं देना है, कितना एज होगा, क्या लिमिटेशन होगा, क्या प्रक्रिया होगी, किसके द्वारा लिया जाएगा, क्या फॉर्म होगा, एग्जाम होने की भी जो है बात बोली जा रही है कि आपका जो है एग्जाम के माध्यम से बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, तब जाकर जो है वन न्यू मतलब टीचर बनेंगे, तो ये भी सब जानकारी जो है आ रही है, लेकिन अभी जो है पुख्ता नहीं है। बस पुख्ता इस बात की है कि आपकी जो है मुहर लग गई है, तो प्लीज आप सभी लोग धैर्य बना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे जानकारी आती है वैसे आपको देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।